मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एमसीक्यू सीरीज का कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले अपन 16 वीडियो अपलोड किए थे और लास्ट वाला वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें जो कार्डिंग स्लाइबर का जो ट्रांस परसेंटेज रहता है स्लाइबर के अंदर, सबसे बढ़िया स्लाइबर कितना परसेंटेज ट्रांस रहेगा स्लाइबर में माना जाता है, उसका आंसर है 0.08%। और बाकी जो तीन ऑप्शन है वो गलत है। 0.08 जो कम से कम ट्रांस होता है वही रहता है। तो आज का टॉपिक वही एसक्यूसी स्पेशल का दूसरा एमसीक्यू 17 चालू करने जा रहे हैं। चालू करने से पहले एक चीज़ और याद दिला दूँ, जो अपना चैनल का जॉइन करना जो बात हुई थी या जो मेंबरशिप लेने का बात हुई थी, मेरे को मालूम है स्टूडेंट लोग का क्या उनका ऊपर अपन जॉइन का मतलब बोल नहीं सकते, क्योंकि वो उनका ही वैसे ही मतलब खर्चा वगैरह रहता है स्टूडेंट करियर में, कमाई तो होता नहीं। लेकिन जो नौकरी करते हैं जिनको ये डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है अपना चैनल का, उन लोग को मेरा हिसाब से मेंबरशिप लेना चाहिए। आप लोग प्रयास कीजिए लेने की, और लेने से चैनल के लिए बढ़िया रहेगा, आप लोग के लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, 17 नंबर एमसीक्यू देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच इज प्रॉपर्टी ऑफ कटन रेस्पॉन्सिबल फॉर शेड वेरिएशन। जो शेड वेरिएशन होता है उसमें कौन सा प्रॉपर्टी कटन का ज़्यादा जिम्मेदार है? तो उसमें देखिए, माइक ऑफ कटन जो फाइननेस होता है कटन का वो जिम्मेदार है क्या? आरडी वैल्यू ऑफ कटन जो रिफ्लेक्शन डिग्री जो होता है, डिग्री ऑफ रिफ्लेक्शन जो बोलते हैं, जो चमकता रहता है उसका वैल्यू से पड़ता है क्या फ़र्क? प्लस बी वैल्यू से फ़र्क पड़ता है क्या? क्लीनिंग ग्रेड से फ़र्क पड़ता है क्या? इसका सही आंसर है प्लस बी वैल्यू। ये जो प्लस बी वैल्यू होता है, ये अगर आपकी रेंज अगर ज़्यादा रहेगा तो शेड वेरिएशन आएगा। और आपको बता दूँ, प्लस बी वैल्यू जो है 6 से 11-12 तक आता है, 6% से 12% तक आता है। तो अगर कोई देखो, आपको बता दूँ, प्लस बी वैल्यू 6 से 12% तक आता है, और इसका जो एक मिक्सिंग में रेंज है 2.5। ठीक है, तो 6 से 12 जो वैल्यू आता है तो उसमें 2.5 का रेंज ले सकते हो। उससे ज़्यादा लोगे तो आ जाएगा आपकी शेड वेरिएशन आ जाएगा, 6 से 12 तक उसका वैल्यू रहता है। उसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, फिनिशर ड्रॉप फ्रेम ए परसेंट टेस्ट डाउन टू कंट्रोल। फिनिशर ड्रॉप फ्रेम का जो ए परसेंट होता है जो स्लाइवर टेस्ट करते हैं उसको क्यों करते हैं, क्या चीज़ वो कंट्रोल करता है? तो उसमें देखो, स्ट्रेंथ ऑफ यान, यान का स्ट्रेंथ कंट्रोल करता है क्या? इम्परफेक्शन ऑफ यान, यान का इम्परफेक्शन मतलब उस्टर थिक थिन सब सेट करता है क्या? और उसके बाद देखो, पीक कंट्रोल ऑफ यान, यान यान में जो पीक आता है, जो बीच बीच में चिमनी आता है वो कंट्रोल होता है क्या, जो पीरियडिक फॉल्ट बोलते हैं। और उसके बाद देखो, काउंट सीबी ऑफ यान, काउंट सीबी जो यान का होता है, जो मतलब सीबी परसेंट, जो मोटा पतला का सीबी परसेंट जो होता है काउंट का, वो आता है क्या? तो डी वाला आंसर ही सही है, काउंट सीबी कंट्रोल करता है। उसके बाद देखो, डफिंग लॉस ऑफ रिम फ्रेम अफेक्ट्स, जब रिम फ्रेम का डफिंग लॉस जैसे स्टैंडर्ड होता है काउंट वाइज, मतलब पतला काउंट होगा कम आएगा, मोटा काउंट होगा ज़्यादा आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ डफ बढ़ जाता है। रिंग डाया मोटा होगा तो नंबर ऑफ डफ कम आएगा, पतला आएगा तो ज़्यादा डफ आएगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ है उसमें। तो डफिंग लॉस जो होता है किस चीज़ को डायरेक्ट अफेक्ट करता है, देखो, वर्किंग ऑफ रिम फ्रेम, रिम फ्रेम का वर्किंग को ये अफेक्ट करता है क्या डफिंग लॉस? यूटिलाइजेशन ऑफ रिम फ्रेम, रिम फ्रेम का जो यूटिलाइजेशन होता है जैसे अपन 98% या 98.5% मानते हैं कटन में, तो उसमें फ़र्क पड़ता है क्या यूटिलाइजेशन में? और सी में एफिशिएंसी ऑफ रिम फ्रेम यान, रिम फ्रेम का एफिशिएंसी में, रिम फ्रेम डिपार्टमेंट का एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ता है क्या? न्यूमाफिल वेस्ट परसेंटेज, जो पंखा वेस्ट होता है उसमें फ़र्क पड़ता है क्या?
सबसे सही आंसर है एफिशिएंसी ऑफ रैम फ्रेम। जब डंपिंग लॉस होगा, जो जितना घंटा मशीन रनिंग रहना चाहिए उससे कम हो जाएगा, प्रोडक्शन लॉस हो जाएगा, प्रोडक्शन लॉस हो जाएगा, आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखियो, होल्डर जाम इन रिम फ्रेम अफेक्ट व्हिच क्वालिटी ऑफ आयरन। जब होल्डर रिम फ्रेम का होल्डर जिसमें सिंपलेस्ट बबिन लटकाते हैं, अगर वो जाम रहता है, मतलब फ्रीली नहीं घूमता, तो यार्न का कौन सा क्वालिटी अफेक्ट करता है? सी एस पी ऑफ यार्न, यार्न के सी एस पी कम ज़्यादा कर देता है क्या? थिक प्लेसेस ऑफ यार्न में थिक प्लेसेस बढ़ता है क्या? पीक ऑन यार्न, यार्न में पीक मतलब पीरियडिक फॉल्ट जो होता है चिमनी जैसा आता है क्या? और चौथा है लॉन्ग थिन ऑफ यार्न, लॉन्ग थिन ऑफ यार्न जो पूरा लंबी पतला धागा आता है, जो पतला धागा लंबा लंबा आता है, बहुत दूर दूर में आता है, तो ए है सही है डी वाला। क्योंकि होल्डर जाम होगा तो सिंपलेस बबिन रुक रुक के चलेगा, रुक रुक के चलेगा तो कभी पतला जाएगा, फिर सही चलेगा तो बराबर धागा आएगा, फिर रुक रुक के चलेगा, मतलब रोबिंग का ऊपर ऐसे टेंशन पड़ेगा, खिंचाव पड़ेगा, तो इसलिए लंग थिन इसी में आता है। देखो हाई रेंज ऑफ इंडिविजुअल कोन वेट वेरिएशंस रिजल्टेड। जब कोन वेट समझ लो आपकी 1.8 टन है या 2 किलो है, 2.5 किलो, 1.5 किलो जो भी है, उसमें कोन टू कोन वजन का वेरिएशन अगर ज़्यादा रहेगा तो किस टाइप का प्रॉब्लम आएगा वो बता रहे। तो देखो बैड अपीयरेंस ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक में अपीयरेंस खराब हो जाएगा क्या, पूरा गंदा दिखेगा क्या? लेस लेंथ ऑफ फैब्रिक पर बीम, जो अपन वर्पिंग करेंगे, साइजिंग करेंगे, वेविंग के लिए बीम प्रिपेयर करेंगे, उसमें लेंथ कम आएगा क्या, कपड़ा का लेंथ कम आएगा क्या? नॉट अकोमोडेट इन कार्टन्स, जो कार्टन में अपन कौन भरते ज़्यादा हल्का भरी रहेगा, रेंज ज़्यादा रहेगा, कार्टून में नहीं आएगा, ये भी समस्या आ सकता है क्या? हाई ब्रेकेज ऑन वर्पिंग, छोटा बड़ा होने से क्या होता है, वो क्रील में लगाते हैं वर्पिंग में, उसमें ब्रेकेज बढ़ जाता है क्या? इस पे सबसे सही आंसर है लेस लेंथ ऑफ फैब्रिक। जब छोटा बड़ा कॉन रहेगा, लास्ट में जो कोन बचता है 50 ग्राम 100 ग्राम बचता है, वो सब कोन काटना पड़ता है, तो कपड़े का जो लेंथ होता है कम हो जाता है, इंडिविजुअल कोन वेट वेरिएशन रहेगा। तो फॉर जीरो ट्विस्ट यार्न प्रोडक्शन कटन क्वालिटी मस्ट, जीरो ट्विस्ट यार्न जब बनता है, वैसे बाथरूम टॉवल वगैरह बनाते हैं उसमें पीवीए फाइबर आड करके बढ़ाते हैं, तो उस केस में अपन जो मतलब फाइबर लेते हैं कौन सा फाइबर टाइप का चाहिए? देखो टू शर्ट स्टेपल फाइबर, बिल्कुल छोटा छोटा स्टेपल फाइबर वाला लेना है क्या, जैसे 19-20 mm का? हाई माइक फाइबर, ज़्यादा ज़्यादा फाइबर लेना है क्या, माइक जिसमें ज़्यादा होगा 5-5.5 ऐसा है? और लॉन्ग स्टेपल फाइबर, लंबी फाइबर, लंबी रेसा, जैसे DC 32 12 लक्ष्मी इजिप्टियन कटन और प्यूमा कटन ऐसे लेना है क्या? और चौथा है मीडियम स्टेपल फाइबर, मीडियम स्टेपल फाइबर मतलब H4 Shankar 6 LRA J34 ये सब आता है, तो इसमें से सबसे बढ़िया है लॉन्ग स्टेपल फाइबर। लॉन्ग स्टेपल फाइबर जनरली ऐड किया जाता है जीरो ट्विस्ट यार्न बढ़ाने के लिए, और PBA के साथ इसको मर्ज करके बढ़ाते हैं। MCQ 17 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपना एक्सक्लूसिव स्पेशल का चल रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई वी हैव टू डबलिंग यार्न। हम जैसे रिम फ्रेम का धागा बढ़ाते हैं, इसको डबलिंग करते हैं या TFO करते हैं या एली ट्विस्ट का माल बढ़ाते हैं, तो उसमें अपन डबलिंग करने से क्या फ़ायदा होता है, मतलब क्यों करना पड़ता है? टू इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, और डबलिंग करते तो कपड़े का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, मतलब बहुत साल तक टिकता है। और दूसरा चीज़ टू मिनिमाइज लो ब्रेकेज इन वीविंग, वीविंग में ब्रेकेज कम करने के लिए करते हैं। और टू इंक्रीज लस्चर, जो कपड़े का जो मतलब लस्चर मतलब जो चमकता हुआ चीज़ जो है चमकता, इसको लस्चरस बोलते हैं, लस्चर बढ़ाने के लिए टू मेक कोर्स काउंट, डबल करने से मोटा काउंट हो जाता है, उसके लिए करते क्या? सबसे बढ़िया ये है टू मिनिमाइज लो ब्रेकेज इन वीविंग, मतलब टू मिनिमाइज ब्रेकेज इन वीविंग, लो नहीं ब्रेकेज इन वीविंग, वीविंग में ब्रेकेज कम करने के लिए करते हैं।
बाकी सब ये ड्यूरेबिलिटी जो है ठीक है, नो डाउट ड्यूरेबिलिटी भी थोड़ा बढ़ जाता है और कोर्स काउंट हो जाता है, वो तो नेचुरल है। आईपीए भी कम हो जाता है, लेकिन मेन मकसद अपना वीविंग में बराबर चले, ब्रेकेज ना हो, इसीलिए अपन डबल करते हैं। और व्हाई टॉप रोल ऑफ ड्रॉप फ्रेम्स इंटरचेंज इन एवरी 2 आवर्स, ड्रॉप फ्रेम का जो टॉप रोल होता है दो दो घंटे में क्यों चेंज करते हैं, क्या ज़रूरत है उसका? देखो, अवॉइड ओवर हीटिंग ऑफ टॉप रोल्स। टॉप रोल अत्यंत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ओवर हीटिंग हो जाता है, उसके लिए करते हैं। और टू अवॉइड लैपिंग अवॉइड करने के लिए करते हैं। फॉर बेटर काउंट सी भी कम लाने के लिए करते हैं। टू अवॉइड शेड वेरिएशन कम करता है क्या? इसका सही आंसर है अवॉइड ओवर हीटिंग। टॉप रोल जैसे अपना फ्रंट रोल होता है बहुत ज़्यादा स्पीड चलता है, और मिडिल वाला उससे कम चलता है, बैक वाला कम चलता है। जो फ्रंट वाला टॉप रोल ज़्यादा स्पीड में चलता है, ज़्यादा ओवर हीट होता है, इसको दो घंटा में बीच में कर दे, बीच वाला पीछे कर दे, वो जो सिस्टम है इसीलिए करना पड़ता है। नहीं तो टॉप रोल ओवर हीट होके उसका रबर का जो कट टूट जाता है, कभी कभी एंड बुश खराब हो जाता है, जल जाता है, तो उसके कारण करते हैं। ब्लोरूम क्लीनिंग एफिशिएंसी शुड बी, ब्लोरूम का जो क्लीनिंग एफिशिएंसी कितना होना चाहिए? एक देखो 30 से 35%, एक 35 से 40, एक 45 से 50, एक 95% एंड अबव, इसमें कौन सा सही है? देखो, इसमें 40 से 50% बीच में मतलब ब्लोरूम क्लीनिंग एफिशिएंसी होना चाहिए, मतलब जो ट्रास रहता है कटर में उसमें लगभग आधा उसमें मतलब रिमूव हो जाना चाहिए कटन से। जब ब्लोरूम के माल आगे जाएगा, मतलब कैडिंग का छूट में जाएगा, उसमें कम से कम आधा ट्रास निकल जाना चाहिए। उसके बाद देखो, एनआरई ऑफ कुम्बर शुड बी, कुम्बर का एनआरई मतलब नेब्स रिमूवल एफिशिएंसी कौन सा सही रहता है? एक देखो 40 से 50%, एक 50 से 60%, एक 85% एंड अबव, एक 65 to 70%। तो इसमें कुम्बर का जो नेब्स रिमूवल एफिशिएंसी जो होता है ये सबसे बढ़िया रहता है, 65 to 70%। इतना कम रहेगा क्वालिटी ख़राब रहेगा, इतना आता नहीं कभी। और कभी कभी बढ़िया मटेरियल है, कटन वगैरह अच्छा है, तो ये 75 तक भी जा सकता है, लेकिन 85 नहीं आता कभी। वाई वैक्स अप्लाइड ऑन निटेड यार्न, जो होजियर यार्न बढ़ाते हैं अपन, वैक्स क्यों इसमें लगाते हैं ऑटोकोनर में? टू रिड्यूस आईपीआई ऑफ यार्न का आईपीआई कम करने के लिए। टू इंक्रीज यार्न स्ट्रेंथ, यार्न का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। टू रिड्यूस हेरीनेस एंड प्रोवाइड लुब्रिकेशन, तो इसमें क्या होता है, हेरीनेस कम करने के लिए और लुब्रिकेशन बढ़ाने के लिए। जैसे नीटिंग में नीडल का अंदर जाता है, अगर लुब्रिकेशन नहीं रहेगा फ्लाई जनरेट होकर तोड़ देता है नीडल, उसके कारण है। दूसरा, टू रिड्यूस ऑटोकोनर कट्स, ऑटोकोनर में कट्स कम आता है क्या? इसमें वैक्स लगाने से कट्स बढ़ता है, कम नहीं आता। इसका सही आंसर है ए वाला, हेरीनेस कम हो जाता है और लुब्रिकेशन मिलता है, नीटिंग प्रोसेस में नीडल नहीं टूटता, स्मूथ चलता है नीटिंग। क्वेश्चन नंबर 12, फ्लाई कैचर सेटिंग डिपेंड्स ऑन, मतलब फ्लाई कैचर का सेटिंग किसका ऊपर डिपेंड करता है, उसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग को बताना है। आज पर फ्लाई जनरेशन इन द डिपार्टमेंट में जो फ्लाई रहता है, एटमोसफेयर फ्लाई जैसे उड़ता रहता है, उसके हिसाब से करते हैं क्या? आज पर तो यार्न डायमीटर, यार्न डायमीटर मतलब धागे का मोटा पतला कितना, उससे रिलेटेड है क्या, मतलब किस हिसाब से करते हैं? और प्रिवेंट्स रिंग ट्रैवलर फ्लाइंग, रिंग ट्रैवलर कभी कभी उड़ जाता है, इसको पकड़ने के लिए रखते हैं क्या सेटिंग? फॉर इम्प्रूव्ड यार्न सी एस पी, धागे का सी एस पी बढ़ाने के लिए करते हैं क्या फ्लाई कैचर का सेटिंग? तो ये इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। और अभी तक जितना आंसर आता है सब अच्छा आता है, मैक्सिमम 95% लोग सही आंसर देते हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।